डी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से पांच बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे आज हम केरल के बारे में। कुछ जगह भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है केरल को लेकर, तो केरल के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। वहीं लक्षद्वीप की बात की जाए तो कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश के आसार बताए गए हैं मौसम के लिहाज से, यह भी बड़ी खबर। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है पूर्वी राजस्थान में मौसम के लिहाज से, यह भी बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं, जब बात करेंगे उत्तराखंड की, कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात की संभावना बताई गई है, तो यह भी उत्तराखंड को लेकर बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है हिमाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से। ये पांच बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के तमाम राज्यों में मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, जिसको जानने के लिए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और दिल्ली में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें, धन्यवाद। तो आपने देखा कि इन राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप अपने घर से बाहर निकले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब देश में तमाम राज्यों में मौसम में बारिश को लेकर क्या अलर्ट है, किस राज्यों में ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर, जिसमें हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए ये जानकारी आपको देते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, अधिकतर जगह बरसात बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिलेगी। पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन हिमाचल प्रदेश को खासकर लेकर अलर्ट है, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, उड़ीसा की बात करें कई जगह बरसात है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर से, तो बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से अलर्ट है। अंडमान निकोबार की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं केरल और भीती दक्षिण कर्नाटक की बात की जाए तो अधिकतर जगह बरसात है, लक्षद्वीप में भी कई जगह बरसात है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर बात दमन और दीव की करें तो यहां पर कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। मौसम की चाल की बात की जाए पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है, आप देख रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर कई जगह बरसात है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के
कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो लगभग कई हिस्सों के अंदर यहां पर भी बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, केरल की बात करें यहां पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत में भी बरसात का माहौल देखने को मिला है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात करें तो आप देख रहे हैं यहां पर भी बरसात देखने को मिली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात का माहौल देखने को मिला है। लगभग सभी जगह पर बरसात पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा आपको बताएंगे देश में तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा, लेकिन उससे पहले यहां एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान कैसा रहा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो आप देख रहे हैं असम, मेघालय और उड़ीसा की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल की तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें अब पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए या कोंकण गोवा की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें गुजरात की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान गुजरात का दर्ज किया गया है। कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें आप बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की तो रायलसीमा के अनंतपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 38.3 डिग्री सेल्सियस, पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहीं पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की तो आप देख रहे हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला कुछ हिस्सों में। इसके साथ ही बात करें अगर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात अगर अंडमान निकोबार की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान देखने को मिला। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर बात कर लें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें सबसे कम तापमान की तो मध्य महाराष्ट्र के बारामती में दर्ज किया गया 20.9 डिग्री सेल्सियस, पूरे देश में सबसे कम तापमान यहीं पर दर्ज किया गया है। जाना आपने तापमान का हाल। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आगे आपको बताएंगे कैसी रही वायु गुणवत्ता। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आज हमारा कारवां पहुंचा है
उत्तराखंड की काशीपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बागवानी। ये नीलम प्रजाति और दशहरी का संकरण है जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में विकसित की गई। आलू में झुलसा बीमारी जो है वो जड़ भी उसकी उखाड़ देती है, उसके पत्ते से। बागवानी किशन में एक है किसानों की जो समस्या उसको हल करते हैं। नर्सरी स्टेज में ही हमको इसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें जिससे कि जो कैटरपिलर है ये उसकी बर्ड को ना खा पाए। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की जिसमें आपको जानकारी देते हैं देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही। इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपनी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक श्रेणी में आती है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज हुआ जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज हुआ जो कि अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज हुआ जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। इस मौसम के लिहाज से किसान भाई कैसे अपनी फसलों की देखभाल करें और किन बारीकियों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं अपने AI एंकर कृषि। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आद्रता वाले क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों की लताओं को सहारा देने का काम करें ताकि बारिश के मौसम में इन्हें खराब होने से बचाया जा सके। सब्जियों के खेत में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। पहाड़ी उष्णकटिबंधीय इलाकों में दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के तराई इलाके में उड़द, मूंग, मक्का और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में मक्का के खेत में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाकर रखें। अगर बारिश की वजह से पानी ज्यादा भरा हो तो उसकी निकासी करें। कुछ दिनों पहले ही अगर धान की बुवाई की है तो उसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। मक्का, कपास और सब्जियों की फसल में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा के किसानों को भी सलाह है कि वो धान, हरे चारे, कपास और सब्जियों के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम करें। दिल्ली के पास के इलाकों में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
त्याग, समर्पण और बलिदान। आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवा। सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 से दूरदर्शन के सभी चैनल पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहां खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहां बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर। अथ श्री महाभारत कथा। पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सार थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। श्रीमन रामा हर रविवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम बलिदान को याद करते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई बिना किसान के नहीं जीती जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। मोटे अनाज को हम भूल चुके थे और सबसे खुशी की बात यह है कि न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी मोटे अनाज जिसको श्री अन्न कहते हैं उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। सभी किसान भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंडी खबर स्वतंत्रता दिवस विशेष 15 अगस्त गुरुवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल,
सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सब का पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात में जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा है? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आते हैं यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। जख्मों से मैं लहू लुहान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है। तुमने बाजीराव मराठे का खून क्यों किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। ये है तेरा जुड़वा भाई राजू। प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू। अपनी दीवानगी पे काबू रख। वो दीवानगी ही क्या जो काबू में रहे? तेरे प्यार बिना सजना रंग रूप मेरा नहीं सजता, मेरा दिल नहीं लगता। हम कश्मीर लेके रहेंगे। बस ऐसी आग लगाओ कि आसमान झुलस उठे। कौन है तू? तुम्हारा भाई सरफरोश मुजाहिद है तौहीद, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है हिंदुस्तान की तबाही। क्या कर रही हो तुम? वही जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती। फंडू फीचर फिल्म्स में 16 अगस्त शुक्रवार रात 8 बजे देखिए फिल्म हिंदुस्तान की कसम। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर क्रिश। इस स्वतंत्रता दिवस पर डीडी किसान आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आ रहा है, वतन के वास्ते। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हमारे वीर जवान और मेहनती किसान मिलकर देश की शान को बढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे हमारे अन्नदाता और सीमा के रक्षक अपने अपने मोर्चों पर देश की सेवा कर रहे हैं। ये कहानी है उनके संघर्ष, साहस और समर्पण की, जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। बहुत जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी किसान पर, तो तैयार हो जाइए इस स्वतंत्रता दिवस पर वतन के वास्ते के साथ हमारे असली नायकों को सलाम करने के लिए। जल्द ही मिलते हैं डीडी किसान पर। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात
या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे mandi.com में DD किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तराखंड के काशीपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बागवानी। ये नीलम प्रजाति और दशहरी का संकरण है जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में विकसित की गई। आलू में झुलसा बीमारी जो है वो जड़ भी उसकी उखाड़ देती है, उसके पत्ते सूखते हैं। बागवानी किचन में एक है किसानों की जो समस्या उसको हल करते हैं। नर्सरी स्टेज में ही हमको इसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें जिससे कि जो कैटरपिलर है ये उसकी बर्ड्स को ना खा पाए। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बायोडायवर्सिटी भारत की अनोखी जैव विविधता, लाखों वर्ष पुरानी संपदा है हमारे देश की। वन जंगल हमारी विरासत है, भंडार हैं दुर्लभ औषधियों के जिनमें छुपे हुए हैं अनेकों समाधान विश्व की दुर्लभ और खतरनाक बीमारियों के। देखिए यह एपिसोड इस शनिवार को रात 10:30 बजे केवल DD नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती, अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये है धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है DD किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।